आप देख रहे हैं अमेज नाउ। क्रिकेट का खेल हो और गोरखपुर के लोग उसमें वैचारिक रूप से आत्मिक रूप से शामिल न हो, ये संभव नहीं है। जी हाँ, हम इस समय खड़े हैं रेलवे क्रिकेट ग्राउंड गोरखपुर। आपको बता दें कि रेलवे से जुड़ा हुआ ये ठीक बगल में यहाँ इसके सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम है और ऐतिहासिक महत्व रखता है अपने आप में। 80 के दशक में, शायद लगभग 1983 की बात हो, सुनील गावस्कर और उनकी 4-5 साथी जो उस समय हमारे इंडियन टीम के मेंबर हुआ करते थे, गोरखपुर एक टूर्नामेंट में बुलावे पर आए हुए थे। ये है यहाँ का इतिहास इससे जुड़ा हुआ। सुनील गावस्कर को एक ही ओवर में कम से कम 2 बार आउट करने वाले खिलाड़ी और ऑलराउंडर जो उस टूर्नामेंट में जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंड प्रदर्शन किया, एक और अन्य खिलाड़ी जिन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, तीनों को रेलवे ने अपने यहाँ स्थान दिया, अपने संगठन में शामिल किया। जी हाँ, उसी परफॉर्मेंस को लेकर फिर तीनों खिलाड़ियों ने नेशनल खेला, कई टूर्नामेंट जीते। तो आज हम आपको यही दिखाना चाहते हैं कि इस गोरखपुर के इस रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर एक छोटा सा टूर्नामेंट चल रहा है। आपको बता दें कि वो तीनों दिग्गज धुरंधर क्रिकेटर्स इस समय इसी स्टेडियम में रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर बतौर अतिथि आए हुए हैं। हम आपको उनसे मिलवाते हैं और बात उनसे होगी जो मौजूदा समय में इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का जो बुखार फैला हुआ है उस पर बात होगी, भारतीय क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस पर बात होगी और कौन ट्रॉफी लेने का हकदार हो सकता है संभावित, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम एक एक करके मौजूदा क्रिकेट जो विश्व कप का जो क्रिकेट बुखार लगा हुआ है उस पर बातचीत करेंगे, लोगों से मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हम खड़े हैं इस समय रेलवे क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर, हमने ये भी बताया कि इसका एक इतिहास रहा है, बगल में हमारे सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम है और अब जो यहाँ मौजूदा जो दौर है क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ से निकलते हैं, तैयारी यहाँ साल भर चलती रहती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक विशेष व्यक्तित्व के मालिक, हसन नदीम आपका नाम है, राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं और हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि हसन नदीम वो नाम है जिन्होंने गावस्कर को एक सीधे टूर्नामेंट एक मैच में तीन बार हराया, उन्हें आउट किया और इस तरह से इनकी पहचान बनी राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छी रफ्तार और गति दिखाई दे रही है भारतीय टीम, क्या कहना है? बहुत अच्छा खेल रही है इंडियन टीम और मुझे उम्मीद है कि आराम से फाइनल जीतना चाहिए और अच्छा, बहुत अच्छी आसान जीत होगी। नहीं, जीत तो आसान नहीं होगी, ये तो गेम क्रिकेट है, इसमें जो भी उस दिन अच्छा खेलेगा जीत तो उसकी होगी, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई मैच हारा नहीं है और हमारा मनोबल इस वक्त सबसे अच्छा है वर्ल्ड कप में, तो मैं आशा करता हूँ कि मेरी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। राह सभी टीमों की यही उम्मीद है कि वो निकाल ले जाए और बेस्ट 4 में ये तय होगा जाकर, अभी तो हालांकि लीग का वो दौर है जी जी, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि अभी कुछ तैयारियां बाकी हैं। आपको क्या खिलाड़ी के तौर पर किस विभाग में कमजोरी दिखाई दे रही है? बाकी तो मेरी टीम बहुत अच्छा है, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर में जैसे श्रेयस अय्यर है वो या उनका रन नहीं हो रहा है, जो लोअर ऑर्डर है उनको उनमें उतना रन नहीं हो रहा है, तो वो एक ही प्लेस है। मुझे उम्मीद है कि वो हार्दिक पांड्या के फिट होने से या सूर्य कुमार जैसे पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला जी, तो उस पर डिपेंड करके और टीम को खिलाया जा सकता है और टीम बहुत अच्छा खेलेगी। टॉप ऑर्डर तो बहुत ही अच्छा है, रोहित का कोई जवाब नहीं है, कोहली बहुत जबरदस्त फॉर्म में है जी,
तो और गिल है ही है ओपन में, तो ऊपर टॉप ऑर्डर तो 50 ओवर्स का मैच है तो बहुत ज़्यादा बैट्समैन की वो नहीं है, दो तीन बैट्समैन खड़े हो गए तो रन अच्छे खासे बन जाएंगे जी। That's in the air. This should be taken. And he breaks the bat. एक और शख्सियत क्रिकेट की दुनिया के धुरंधर प्रेम शाही इनका नाम है जो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और उसी टूर्नामेंट जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो हसन नदीम साहब के साथ हमने आपको बताया, उसी टूर्नामेंट में एक खिलाड़ी ये भी थे और बेस्ट ऑलराउंडर या बेस्ट ऑलराउंडर की वजह से बेस्ट ऑलराउंडर के कारण आपको नवाजा गया और साथ ही साथ NER ने अपने यहाँ अपने संस्थान में जगह दिया था, तो आज भी आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हम लोग सीधे मुद्दे पे बातें हैं कि जो इस समय भारतीय टीम का जो प्रदर्शन वर्ल्ड कप में चल रहा है उसमें क्या स्थिति दिखाई दे रही है? जिस तरह से आज खेल रहे हैं इंडिया टीम, ये निश्चित तौर से अभी तो सेमीफाइनल क्वालिफाई हो गए हैं, लेकिन जो रफ्तार है इनकी खेल का, ये निश्चित तौर से ये विनर इन वर्ल्ड कप होने वाले हैं। ये ऐसा आपको दिख रहा है? हमको दिख रहा है। हमको लगता है या बहुत सारे लोगों से हम लोगों ने जो बातचीत किया, अभी साउथ अफ्रीका से दो दो हाथ होना बाकी है लीग में, साउथ अफ्रीका को कम नहीं आका जा सकता है। इस वर्ल्ड कप में किसी भी टीम को एक कम तो किसी से नहीं आका जा सकता है, क्योंकि सारी टीम एक बराबर है माने जाते हैं जी। जिसका जो समय बलवान जिसका रहेगा वो जीतता है, ये तो क्रिकेट में हम लोग देखते हैं। जिसका दिन जो रहेगा खेलने का, जिसकी समय बैटिंग सही तरीके से जो टीम कर गई, अच्छी फील्डिंग अच्छी कर गई, बॉलिंग अच्छी कर गए, वो टीम जीत जाएगा, क्योंकि टीम सारे एक बराबर है कि इसमें किसी को आप कम नहीं कर सकते हैं। देखिए बल्लेबाजी तो विशेष रूप से माना जाता है प्रभावी इसमें, क्योंकि जब रन एक टीम अच्छी खड़ा कर देती है तो उसके निश्चित तौर से जो दूसरी टीम है उसको चेज करने की कोशिश करती है। अगर मान लीजिए हमारी इंडिया टीम 375-400 के लगभग टीम खड़ी करेगी, तो दूसरी टीम जो आएगी खेलने उनके लिए एक सामने बड़ा रन का वो रहेगा, पहाड़ दिखाई देगा, तो उसको चेज करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी ही। इस समय करंट पोजीशन में हमारी टीम जो है चेस अच्छी कर रही है, 350 रन भी रहेगी जो हमारी बैटिंग आर्डर है हिंदुस्तान की, नंबर 6, 7 नंबर तक वो इतनी रखती है कि कितने भी लंबा टारगेट हो उसको चेस। हमारी टीम अच्छी बॉलिंग कर गई, अच्छी फील्डिंग कर गई, जिसके वजह से इंग्लैंड भी को दब जाना पड़ा, वो निकल नहीं पाए, उभर नहीं पाए अपने। पूर्वांचल का एकमात्र उत्कृष्ट सुपर स्पेशलिटी संस्थान श्रीराम जानकी नेत्रालय जुबली रोड गोरखपुर। रेटिना सर्जरी, समलबाई और लेंस प्रत्यारोपण, फेको सर्जरी, नेत्र से संबंधित सभी रोगों के समुचित इलाज के लिए एकमात्र प्रतिष्ठान श्रीराम जानकी नेत्रालय, एडी चौक, जुबली रोड, गोरखपुर। अब हम हमारे साथ इस समय व्यापारी भी कह सकते हैं, ट्रेवल एजेंसी के मालिक हैं और इसके साथ साथ पुराने दिग्गज खिलाड़ी क्रिकेटर से जुड़े हुए सुनील केसरवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील जी, बहुत दिनों के बाद आपको मैं क्रिकेट मैदान में देख रहा हूँ, और सीधे अगर बात करें कि जो विश्व कप जो चल रहा है उसमें भारत की गेंदबाजी में जो धार है इसकी उम्मीद नहीं थी उतनी धार है, और बल्लेबाजी के जो के लिए प्रति जो एक्सपेक्टेशन था वो उसको नहीं दिखाई दे रही, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो सही है कि इस समय पूरी टीम पूरे फॉर्म में है और हर क्षेत्र में, बैटिंग में बैट्समैन अच्छे काम कर रहे हैं और बॉलिंग में बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी हो रही है, और इस वजह से इनके आपस में खेलने का तालमेल भी अच्छा रहा है, जिसकी वजह से टीम भावना की वजह से इनकी टीमें अच्छी खेल रही हैं और परफॉर्मेंस भी दे रही हैं। अभी एक सज्जन हमारे साथ जब बात कर रहे थे तो उन्होंने श्रेयस अय्यर को बताया कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, जो जाहिर सी बात है वो जो दिख भी रहा है ठीक। इसी तरीके से शुभमन गिल की बात करें तो क्या इन्हें बदलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पीछे अभी आप देख रहे होंगे कि किशन बैठा हुआ है वो इंतजारी में। हाँ, देखिए ऐसा है ना कि 1-2-4 मैचों से किसी को ये बारे में आकलन किया नहीं जा सकता है
रही गिल की बात, गिल तो लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, एक दो मैच को छोड़ दिया जाए, बाकी उन्होंने लगातार दो तीन सेंचुरी मारी है इसी दरमियान, इसी वर्ष मारी है। अच्छा तो प्रदर्शन रहा है, लेकिन हम अगर वर्ल्ड कप की बात करें जिसमें उन्होंने चार मैच खेले हैं और किसी में भी हाफ सेंचुरी नहीं आई है, सिर्फ एक 40 या 45 रन किसी एक इनिंग में किसी एक टीम के साथ उन्होंने बनाया। नहीं वो तो है, वो तो सच है, लेकिन पार्टनरशिप देखी जाती मेन चीज है, पार्टनरशिप। हाँ, पहले विकेट की पार्टनरशिप कभी भी इन लोगों की 70-80 नीचे नहीं हुई है, सबसे प्लस पॉइंट है। और स्टार्टिंग अगर अच्छी हो जाती है तो नीचे के बैट्समैन भी परफॉर्मेंस देते रहते हैं, इसलिए ये अच्छी मानी जाएगी, मतलब केवल स्कोर ही माने नहीं रखता है। शुरू के 8-10 ओवर जो है अगर निकाल जाते हैं तो नीचे वालों के लिए खेलना आसान हो जाता है। क्या मानते हैं कि वर्ल्ड कप कब्जा इस बार? वर्ल्ड कप में खेलने वाले सभी टीमें अच्छी होती हैं, आप उदाहरण देख लीजिए अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान कितनी परफेक्ट तरीके से खेल रही है, उसको आने वाले समय में वो हमको लगता है कि वो भी हमेशा सेमीफाइनल खेलती रहेगी, इसको डाउट नहीं कि हो सकता है कि इस बार भी वो सेमीफाइनल जिस हिसाब से वो बैटिंग करेगी। धन्यवाद। संयोग की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ इस समय आप राकेश जी, राकेश कन्हैया ये गोरखपुर, मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं, और आपको बता दें कि आप इस समय मुंबई राज्य से, स्टेट से आप खेल रहे हैं। खेल चुके हैं। तो चूंकि इस समय माहौल है वर्ल्ड कप का, पूरी तरीके से पूरा हिंदुस्तान इस समय हाई फीवर से गुजर रहा है, चर्चाएं चल रही, इंडिया इतनी अच्छी कर रहा है तो जाहिर सी बात है फीवर बढ़ना ही सबका है। जरूर जरूर। थोड़ा एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं गेंदबाजी पक्ष को लेकर, अभी बल्लेबाजी पर बहुत सारी लोगों से उन्होंने बातचीत किया, गेंदबाजी में जो पैनापन है, जो धार है उसके, वो इसके पहले हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी धार होगी, और किस तरीके से क्या जो अगर हम ट्रॉफी पाते हैं लाते हैं तो उसमें गेंदबाजों की भूमिका सराहनीय होगी। जी देखिए, किसी भी मैच को जीतने के लिए हमको 10 प्लेयरों को आउट करना पड़ता है जी। कोई भी टूर्नामेंट अगर जीतना या कोई मैच जीतना है तो हमको 10 प्लेयर जब तक आउट नहीं करेंगे हम मैच नहीं जीत सकते। तो हमारी बॉलरों की भूमिका बहुत, बैट्समैन से ज़्यादा बॉलरों की, हम अगर 200 पर आउट होते हैं तो बॉलर का मेन काम होता है कि हमको जल्दी 199 पर आउट करना है, तभी हम जीत सकते। तो जितना बैट्समैन का योगदान होता है उससे ज़्यादा बॉलरों का भी योगदान होना होता है जी, ठीक। और जैसे कि हम, आप इस समय बुमराह है अपना सबसे वर्ल्ड का नंबर वन बॉलर है जी। और सैमी जो 2-3 मैच उसको ड्रॉप किया उसके बाद उसने कमबैक किया, जो इतना अच्छा कमबैक किया कि उसको लग रहा है कि उम्मीद नहीं किसी को थी। और कुलदीप है अच्छा ही कर रहा है, सिराज है सब अच्छे कर, पांड्या भी कमबैक करने वाला है, तो सारी मिलाकर बहुत बॉलिंग अटैक हमारे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे अच्छी चल रही है, समय अच्छा कर रहे हैं लोग। सबसे बड़ी टीम है का एक कॉम्बिनेशन जो होता है एक दूसरे को सपोर्ट करना बॉलरों में, वो जाके उससे बात कर रहा है, जब भी देखिए एक चौके पड़ने वाले वाले तो जाके पांड्या बात करता है, कोई भी ना कोई जाके प्लेयर उससे बात, फास्ट बॉलर या स्पिनर जाके बात करते हैं, सपोर्ट। हाँ, एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्रिकेट वनडे का ऐसा गेम है कि सपोर्ट जब तक एक दूसरे को नहीं करेंगे तब तक कोई अप नहीं कर सकता किसी भी गेम में जी। नाम दिया है तो इसमें जो 10 टीमें आई हुई हैं और 10 टीमों में भारत ने अपनी उपस्थिति बड़े ही धमाकेदार तरीके से दर्ज कराई है, बॉलर्स की भूमिका भी बहुत सराहनीय दिखाई दी है, बॉलिंग साइड में कोई चेंज करने की आवश्यकता आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, चेंज तो करने की जरूरत है नहीं, सब लोग अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब अपने 100% दे रहे हैं, टीम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इस समय जी। देखिए, एक स्थिति आने वाली है और हमको लगता है कि सिलेक्शन कमेटी के लिए ये थोड़ा सा बड़ा ही मशक्कत का काम होगा
जब हार्दिक पांड्या कम बैक कर वापस आ रहे हैं जो इंजरी के बाद से, ऐसे में एक बॉलर को उन्हें हटाना होगा। हालांकि शमी ने जो काम किया है उसे उन्हें हटाने की कतई जरूरत नहीं है और कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। ऐसे में वो आके बात रुकती है, वो सुई रुकती है सिराज के ऊपर। जी बिल्कुल, सिराज को अगर ड्रॉप करेंगे तो उनकी बैटिंग लाइनअप और भी मजबूत हो जाएगी जी, जो कि इस टूर्नामेंट में किक ऑफ रोल करेगा। अगर चेस करते हैं आपको तो आपकी जो बैटिंग डेप्थ होगी वो बढ़ जाएगी आपकी जी। को मिलवाया क्रिकेट के उन धुरंधरों से जिन्होंने गोरखपुर की सरजमी से अपना कैरियर शुरू किया, इसी मिट्टी से वो आगे बढ़े। हम इन सारे लोगों से बात करने का जो निष्कर्ष निकला उसमें भारतीय टीम अपने पूरे हार पर है, पूरे फॉर्म में है, कहीं से कोई कमी की बात नहीं है। और अगर कहीं की कोई एक दो रिप्लेस करने की ज़रूरत आ रही है तो इन लोगों ने बताया कि सिराज और श्रेयस अय्यर, इन दो लोगों को ही रिप्लेस किया जा सकता है, बाकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हमने बात किया शुभमान गिल पर भी कि शुभमान गिल को भी बदला जा सकता है, क्योंकि पिछले चार मैचों में उनके जो परफॉर्मेंस है वो, हालांकि वो बीमार होकर आए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस, पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए टीम मैनेजमेंट को उन्हें बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, ऐसा हमारे साथियों ने इस बात को बताया। तो इस तरीके से, जबकि अभी लीग मैच तीन मैच अभी होने बाकी हैं, तीन और चार चार मैच होने बाकी हैं, तो उसके बाद जो स्थिति बन के आएगी, लेकिन कहीं से भी भारतीय टीम का जो स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड पे जो अंक अंकित है वो कहीं से भी कम होने वाला नहीं है। यानी कि बेस्ट फोर में वो हर हाल में जाने वाले हैं, पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे। स्थिति उसके बाद किस तरीके से बनेगी, बिगड़ेगी, भारतीय टीम ट्रॉफी को कितने करीब तक पहुंच पाती है और ला पाती है, यह सब आगे देखने वाली बात होगी। तो आइए हम आपको ऐसे ही कुछ और फीडबैक आगे भी देते रहेंगे। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।